गाइस वेलकम टू टुडेज न्यूज जाम कराते हैं एंटरटेनमेंट की दुनिया से आपका डायरेक्ट कनेक्शन। मैं हूं सपना। करण जौहर को लेकर इन दिनों जो है काफ़ी विवाद बढ़ा हुआ है, खासकर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद जो है बॉलीवुड में नेपोटिज्म को लेकर काफ़ी बड़ा सवाल खड़ा हुआ है और इसमें सबसे ज़्यादा नाम अगर किसी का आ रहा है तो वो है करण जौहर। करण जौहर को माना जा रहा है कि वो ही एक ऐसे इंसान है, सिर्फ वो नहीं बहुत सारे ऐसे लोगों का नाम आ रहा है, पर सबसे ज़्यादा जो है करण जौहर के बारे में हो रहा है कि उनकी वजह से ही जो नेपोटिज्म है वो बॉलीवुड में इतनी भयानक रूप से फैली हुई है। आपको बता दें कि ऋतिक रोशन की भी एक वाक्या जो है ऋतिक रोशन के साथ का, वो भी इन दिनों काफ़ी सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है, जहाँ पे यामी गौतम के साथ फिल्म आई थी ऋतिक के काबिल और करण जौहर ने उन्हें अपने शो कॉफ़ी विद करण पे इनवाइट किया था, लेकिन ऋतिक ने मना कर दिया क्योंकि यामी गौतम को इनवाइट नहीं किया गया था, क्योंकि यामी उतनी फेमस नहीं थी और यही वजह है कि करण ने यामी गौतम को इनवाइट नहीं किया और ऋतिक इसलिए नहीं गए क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर मेरे फिल्म के लीडिंग लेडी नहीं जाएंगी तो मैं नहीं जाऊंगा। इसी बीच प्रभास से जुड़ी भी एक खबर सामने आई है। दरअसल प्रभास ने भी नेशनल टीवी पर करण जौहर की बेइज्जती की थी। बाहुबली फिल्म से अनुष्का और प्रभास की जोड़ी को काफ़ी पसंद किया जाता है, बहुत ही ज़्यादा जो है दर्शकों को पसंद आई थी ये जोड़ी। तो जब करण जौहर ने पूछा कि आपको अपनी लव स्टोरी अनुष्का और आपकी लव स्टोरी के बारे में क्या कहना है, इसका जवाब प्रभास ने कुछ इस प्रकार दिया कि इंडस्ट्री में ये जो अफवाहें हैं ये आप फैलाते हो। इस बात के बाद करण जौहर चुप्पी साध कर बैठ गए। इनसे जुड़ी और जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू सो मच।